नमस्कार साथियों, मेरे नज़र में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने वीडियो का जो हेडिंग रखा हुआ है चैनल स्टार्ट करने का उद्देश्य, इसके अलावा आपका प्रश्न और हमारा उत्तर। आज मेरे मन में एक विचार आया कि हम चैनल के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। आप सभी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स अग्रसर प्रगति के पथ पर गतिमान है। ये सब आपके सहयोग एवं दिलचस्पी का परिणाम है। आपको बता दें, इस चैनल को 12 मई 2018 को प्रारंभ किए थे, यानी आज 3 माह 10 दिन ही हुआ है। यदि हम इसे इन 3.5 महीनों की एनालिसिस देखें, तो हमें ज्ञात होता है कि 12 मई 2018 से 21 अगस्त 2018 तक कुल वॉच टाइम 13,31,714 मिनट हुआ है। वॉच टाइम से यहाँ तात्पर्य है इतने समय तक हमारे चैनल के वीडियो को देखे जा चुके हैं। यदि इस वॉच टाइम को हम घंटे में रूपांतरण करें तो 22,195 घंटे होता है, और यदि इसे दिन में देखें तो 925 दिन के बराबर होता है। यानी इन 3.5 माह में 925 दिन तक हमारे चैनल के वीडियो को देखे जा चुके हैं। यदि हम हमारे चैनल को कितने लोग अभी तक व्यू किए हैं इसके बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ज्ञात होता है कि 488,412 लोगों ने देखा है। टाइम और व्यू का एवरेज निकालें तो 2:43 होता है। दो लोगों ने 43 मिनट तक देखा है, ये इसका मतलब होता है। और यदि सब्सक्राइबर की बात करें तो 8,000 से अधिक हो चुका है, यानी हमारे जो परमानेंट सदस्य हैं वो जो सदस्य की संख्या है 8,000 से अधिक, आज की तिथि को हम बता रहे हैं। अब तक एस्टिमेटेड रेवेन्यू की बात करें तो केवल 21 दिन में 40 से अधिक यूएस डॉलर भी कमा चुके हैं। यानी इंडियन रुपीस में बात करें तो इन 20-21 दिनों में 2,800 रुपया के आसपास होता है। साथियों, हमारा उद्देश्य केवल मात्र एकेडमिक प्रचार प्रसार है। मैं एक प्रोफेसर हूँ, और एक प्रोफेसर हमेशा ये चाहता है कि उनका स्टूडेंट्स हमेशा प्रगति करे, वो भी पूरे यूनिवर्स में राज करे। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना कभी नहीं रहा है। जो पैसा हमें प्राप्त होगा उस पैसे से गरीब छात्रों के लिए फीस, बुक्स, अन्य तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, ये हमारा प्रयास होगा। हम ये भी चाहते थे कि गांव में टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि उन्हें अवसर प्राप्त हो पाता नहीं है, जिसके वजह से वह कुछ हद तक असफल रहता है। जब मैं चैनल स्टार्ट किया तब यही उद्देश्य रहा है कि मेरे गांव और सुदूर वनांचल के स्टूडेंट को एजुकेशन के क्षेत्र में सर्वसंपन्न बनाया जाए, जिससे उन्हें भी सफलता हाथ लगे, यानी एक सफल इंसान बन सके। ये हमारे टॉप 10 वीडियो है जो सर्वाधिक लोगों ने पसंद किया है। भविष्य का प्लान हम आपको बता रहे हैं। एक्चुअली मैं एक स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यानी एक शिक्षक हूँ, टीचर हूँ, इस पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा विभिन्न शासकीय, गैर सरकारी एवं प्राइवेट कोचिंग संस्थानों में UGC नेट पेपर फर्स्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के प्री मेंस एवं इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है।
जहां मैं निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता हूं। इसके साथ ही मोटिवेशनल प्रोग्राम भी मैं देते रहता हूं, और वो मोटिवेशनल प्रोग्राम शासकीय महाविद्यालयों या कोई एनजीओ या कोई सामाजिक संस्थान के द्वारा जो बेरोजगार युवक हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जिनको मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को मैं मोटिवेशन भी करते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में आईएएस, पीएससी, सिविल जज, लॉ की टीचिंग के लिए आप सभी को समय दूँ। नेट सेट पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति संबंधी अपडेट जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँ। ये भी मेरा उद्देश्य रहा है कि गरीब और गांव के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ें तो और भी अच्छा होगा। ये तभी संभव है जब आप हमारे चैनल के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आपका एक शेयर और सब्सक्राइब गरीब और गांव के स्टूडेंट को सेवा प्रदान करने में आपकी योगदान रहेगा। आज हम इतना ही बात करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कल हम आपके कमेंट्स पर एक वीडियो बनाकर आपके जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। जो आप लोगों ने विभिन्न तरह के प्रश्न पूछे हैं, कोई ये पूछा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, पीएचडी एमफिल में एडमिशन कैसे लें, इसके अलावा कि यूजीसी की क्या नॉर्म्स हैं, मैं इस विषय पर पीजी किया हूं, मैं नेट क्लियर हो चुका हूं, मैं जेआरएफ क्लियर हो चुका हूं, या कोई कहता है कि मैं जेआरएफ क्लियर करना चाहता हूं, मैं नेट क्लियर करना चाहता हूं, मैं पीएचडी में पीएचडी एडमिशन लेना चाहता हूं, या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करूं, या पीएचडी एडमिशन में इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है, इन सब समस्याओं के समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा कल के वीडियो में। आज इतना ही। साथियों, जो मेरा निवेदन है, जो मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी चैनल जो है प्रगति नहीं करेगा। आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर भी करेंगे, कमेंट्स भी लिखेंगे, लाइक भी करेंगे, और आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।